सब्सक्राइब करें चढ़ती कला टाइम टीवी को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। सत श्री अकाल जी, चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में स्वागत है। मैं तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा। बुलेटिन की शुरुआत में एक नज़र मार लेने हां खास खबरों दे। लोक सभा चोणां लई वोटां दी गिनती भलके 8 बजे तो होवेगी आरंभ। पंजाब विच वी मुख चोण अफसर वल्लों गिनती बाबत सुरक्षा प्रबंध पुख्ता होण दा दावा। एग्जिट पोलां दी खुल्लेगी असली पोल। राजासांसी दे पिंड सहूरा विच 19 मई नूं लोक सभा चोणां रद्द होण तों बाद सख्त सुरक्षा प्रबंधां हेठ मोड़ पईआं वोटां। कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी ने वोटां दी गिनती तों पहलां कांग्रेसी वर्करां नूं कीती सतर्क रहण दी अपील। कहा एनडीए दी जित दे दावियां वाले एग्जिट पोल निकलणगे फर्जी। नवजोत सिद्धू अते कैप्टन अमरिंदर सिंह दी जबानी जंग होर पखी। कांग्रेसी मंत्रियां ने सिद्धू दी बयानबाजी नूं कोसिया। मनप्रीत बादल ने कीता सिद्धू दा बचा। कहा सिद्धू दा बयान कांग्रेस दे नहीं बल्कि विरोधियां दे खिलाफ सी। लोक सभा चोणां दौरान पईआं वोटां दी गिनती भलके 8 बजे शुरू होण जा रही है। 19 मई नूं होईआं लोक सभा चोणां दी कल 23 मई नूं होण वाली गिनती नूं लै के वख-वख थावां दे गिनती केंद्रां ते गिनती दे प्रबंध लगभग मुकम्मल कर लए गए ने। मुख चोण अफसर पंजाब वल्लों लोक सभा चोणां 2019 दीआं वोटां दी गिनती लई पूरे पुख्ता इंतजाम करन दी गल कीती गई है। जानकारी दिंदिआं डाक्टर एस करुणा राजू मुख चोण अफसर पंजाब ने दस्सिआ कि सूबे दे 13 लोक सभा हल्कियां विच पईआं वोटां दी गिनती कुल 21 थावां ते कीती जावेगी। वोटां दी गिनती 23 मई नूं सवेरे 8 बजे शुरू होवेगी, जिन्हां विचों 21 थावां दे वेरवे मुख चोण अफसर वल्लों जारी कर दिते गए ने। उधर जलंधर विच वी वोटां दी गिनती ते सारे प्रबंध मुकम्मल कीते जाण दा दावा कीता जा रहा है। जिला चोण अधिकारी वरिंदर शर्मा ने पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर दे नाल मिलके पत्रकारां दे नाल गल्लबात कीती, जिस दौरान उन्होंने कहा कि सख्त सुरक्षा प्रबंधां हेठ ईवीएम मशीनां नूं स्ट्रांग रूमां विच रख्या गया है अते गिनती लई वी वाजब कदम चुके गए ने। कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी ने लोक सभा चोणां दे एग्जिट पोल नूं फर्जी दसदे होए पार्टी वर्करां नूं इन्हां तों निराश ना होण अते वोटां दी गिनती तक वध सावधान रहण दी सलाह दित्ती है। राहुल गांधी ने कांग्रेस वर्करां नूं अपने संदेश विच कहा है कि एग्जिट पोल फर्जी ने अते उन्हां ते विश्वास ना करो। इस दे राहीं गलत प्रचार करके कांग्रेस वर्करां दे मनोबल नूं सुट्टण दी कोशिश कीती जा रही है। इस दे लई किसे नूं निराश होण दी जरूरत नहीं। उन्होंने ट्वीट कीता कि कांग्रेस पार्टी दे प्रिय वर्कर अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण ने। सावधान रहो, डरो नहीं, तुसीं सच लई लड़ रहे हो। फर्जी एग्जिट पोल दे गलत प्रचार दे नाल निराश ना होवो। खुद ते अते कांग्रेस पार्टी ते विश्वास रखो, तुहाडी मेहनत बेकार नहीं जावेगी। जय हिंद राहुल गांधी। दस दिए कि एग्जिट पोल दे अनुमान दे भारतीय जनता पार्टी अते उसके सहयोगी दलों के पक्ष में आने के कारण कांग्रेस वर्करां विच निराशा छा गई सी, पर कांग्रेस जनरल सकत्तर प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन्हां दा हौसला वधाउण दे लई अपनी आवाज विच संदेश दिता, जिस दे नाल वर्करां दा मनोबल उच्चा होया। राहुल गांधी का संदेश चोण नतीजे तो आने तो एक दिन पहला आ रहा है, जदों के एग्जिट पोल के तुरंत बाद उन्हां वल्लों इस तरह का संदेश आने की उम्मीद सी। लोक सभा चोणां 2019 दे नतीजे आउण विच कुछ घंटे ही बाकी ने। विरोधी धिर ईवीएम ते वीवीपैट दी सुरक्षा ते सवाल चुक रहा है। हाल ही विच भाजपा छड के कांग्रेस विच शामिल होए उदित राज ने ईवीएम विवाद ते विवादग्रस्त बयान दिंदे होए कहा कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चाहुंदा कि वीवीपैट दीआं सारीआं पर्चीआं नूं गिणिआ जावे। की सुप्रीम कोर्ट भी इस धांधली विच शामिल है? राजासांसी दे पिंड सहूरा विखे 19 मई नूं लोक सभा चोण रद्द होण तों बाद अज मुड़ भारी सुरक्षा प्रबंधां दे हेठ वोटां पाईआं गईआं। वोटां पाउण दा काम अमन अमान दे नाल नेपरे चढ़िआ। दुबारा हो रही पोलिंग विच लोकां विच उत्साह काफ़ी घट वेखण नूं मिलिआ। दस दईए कि इस पोलिंग स्टेशन ते लगे कैमरे विच सामणे आया सी कि इस बूथ विच चोण प्रक्रिया दी पूरी तरहां पालना नहीं कीती गई, जिस तों बाद जिला चोण अधिकारी शिव दुलार सिंह ढिल्लों वल्लों इस सारे मसले नूं चोण कमिशन दे ध्यान विच लिआउण तों बाद बूथ नंबर 123 दीआं वोटां नूं रद्द कर दिता गया सी, जिस तों बाद अज दुबारा वोटिंग करवाई गई। पंजाब एकता पार्टी दे आगू सुखपाल सिंह खैरा ने इल्जाम लाया है कि बरगाड़ी मोर्चा लाउण वाले आगूआं ने सिख कौम नाल ठगी मारी है। खैरा ने लोक सभा चोणां दौरान कड्डे रोस मार्च नूं कांग्रेस दे पैसिआं नाल कड्डिआ रोस मार्च करार दिता।
ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸੀ ਮੁਤਵਾਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੁਸੀਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆਇਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਏਦਾਂ ਵਿਕਣਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਗਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਚੋਰੀ ਦੇਣੀ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਆ ਵਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋਣੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਉਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਗਏ ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਆਡੀਓ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਖੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੂਨ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 7 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਸਮਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਵਕੀਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਤੁਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਤੁਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਭੁਨਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ 2016 ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹਮਲੇ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਿੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਸ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਗਲਿਆਰੇ ਚਾਬਹਾਰ ਪੋਰਟ ਅਸ਼ਗਾਬਾਦ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮਿਆਂਮਾਰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤ੍ਰਿਪੱਖੀ ਹਾਈਵੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬੇਵਕਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਘਾਤਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰ ਆਏ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜ ਲਈਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗੋਲੇ ਦਾਗਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇਕੱਲੇ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਬਾਕੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਵੱਟ ਰਹੇ ਨੇ
कारण तो सिद्धू साहब ही दस सकते हैं, पर क्या सराइया ने कि जल्द ही सिद्धू वालों कोई ना कोई वड्डा सियासी धमाका हो सकता है। उधर कांग्रेसी विधायक मदन लाल जलालपुर ने एक वड्डा खुलासा करदिया नवजोत सिंह सिद्धू ते तिखा शब्दी वार किया। उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं हटा के खुद मुख्यमंत्री बनना चाहुंदा है। उन्होंने कहा कि नवजोत सिद्धू ने परनीत कौर नूं हराउण दी मंशा दे नाल जानबुझ के पटियाला दा चज नाल विकास भी नहीं करवाया। उन्हें भी कहा कि सिद्धू परनीत कौर की हार तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह तो अस्तीफा मांग के खुद मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते ने। साहब की थोड़ा ना नीत में फर्क था, इसलिए फर्क था भी महारानी परनीत कौर को वोट ना डले। हमारे राजपुरा सब डिवीजन है, मेरा हल्का पड़ता है राजपुरा के साथ कॉलोनी है, उनका एक प्रोजेक्ट था सीवर का, काम शुरू कराने थे हमने। 2 साल में इसने हमारी फैली नहीं निकाली, इस करके इनको था भी पटियाले में महारानी साहब को वोट कम पड़े, महाराजा साहब की थोड़ी हेठी हुई भी मैं इसको महारानी साहब को हरा कर भी कैप्टन साहब से इस्तीफा मांगूं, इसको हटाकर मुख्यमंत्री मैं उस कुर्सी पे पहुंचूं। पर पटियाला निवासियों ने बहुत बढ़ चढ़ कर इस परिवार का साथ दिया। क्यों दिया? इन्होंने जो 2 साल में काम कराए, मैं सोचता हूँ 10 साल अकाली दल के कैप्टन अमरिंदर सिंह महारानी परनीत कौर की जोड़ी के दो साल जो 2 साल में इन्होंने काम कराए, उस हिसाब से मैं कहता हूँ आज तक जितनी वोट महारानी साहब को पहले जितनी इलेक्शन लड़ी है इस परिवार ने, सबसे ज़्यादा वोट 2019 के इलेक्शन में इनको पाएगी। कल शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। तो जो सिद्धू की सोच थी पर लोगों ने उसको नकारा, आज पंजाब के लोग, पटियाला के लोग, पटियाला के MLA कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ चट्टान वहाँ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उधर अपने दी तिखी बयानबाजी का सामना कर रहे कैबिनेट मंत्री नवजोत सिद्धू आखिरकार अपने हमरुतबा मनप्रीत सिंह बादल का सहारा मिले है। मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि सिद्धू ने कांग्रेस से नहीं बल्कि विरोधियों से निशाना साधिया। उन्होंने कहा कि भाषण वेले मैं मंच से मौजूद सी। मनप्रीत बादल के मुताबिक सिद्धू की कांग्रेस प्रति वफादारी से कोई शक नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के कई सीनियर आगुओं ने सिद्धू खिलाफ मोर्चा खोलिया होया है। हाईकमान को सिद्धू जोड़ी दी क्लिप्स भेजिया गई ने, सिद्धू खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। जिक्रयोग है कि सिद्धू ने कहा कि जेकर कैप्टन सरकार ने बेअदबी कांड उत्ते कार्रवाई ना की तो वह अस्तीफा दे देंगे। इस अलावा वह अपनी पत्नी नवजोत कौर को चंडीगढ़ तो टिकट ना देने का दोष भी कैप्टन से ला रहे हैं। चोणां दे नतीजियां तो बाद पंजाबियां दीयां जेबां ते होर बोझ पै सकदा है। सूत्रां दे मुताबक पंजाब विच इस महीने दे अंत तक बिजली दरां विच 3% तक वाधा किया जा रहा है। इस दे नाल पहलां ही महंगी बिजली दी पंजाबियां ते होर मार पएगी। सूत्रां दे मुताबक 23 मई नूं लोक सभा चोणां दे नतीजे आउण दे आदर्श चोण जाबता खत्म होण तों मगरों दरां विच वाधे दा ऐलान किसे समें वी कीता जा सकदा है। नवीं दरां अक्सर मार्च महीने ऐलानियां जांदियां ने, इसलिए इह वधियां दरां वी 1 अप्रैल तों ही लागू होणगियां। उधर आम आदमी पार्टी ने बिजली दरां विच वाधे दा विरोध कीता है। विधानसभा विच विरोधी धिर दे लीडर हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब राज बिजली रेगुलेटरी कमिश्नर वल्लों बिजली दीयां दरां विच होर वाधे दीयां तैयारियां नूं गलत करार दिता है। उन्होंने कैप्टन सरकार नूं दिल्ली दी केजरीवाल सरकार तों सबक लैण दी सलाह दित्ती है तां कि बेहद महंगीयां बिजली दरां दे सताए पंजाब दे लोक वी राहत दी साह लै सकण। चीमा ने कहा कि पंजाब देश दे सब तो महंगी बिजली देने वाले सूबों में शामिल है, जबकि 4 सालों दौरान केजरीवाल सरकार ने दिल्ली नूं देश दा सब तो सस्ती बिजली मुहैया करवाने वाला राज बना दिता है। उन्होंने कहा कि जेकर केजरीवाल सरकार अजिहा कर सकती है तो कैप्टन सरकार अजिहा क्यों नहीं कर सकती। उन्होंने मांग की कि सरकार नूं साल विच कई बार बिजली महंगी नहीं करनी चाहिए। हरियाणा ने दिल्ली नूं 100 करोड़ दा पानी बिल भेजिया है। जानकारी दिंदे हुए हरियाणा दे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दस्सिया कि 1995 तो राष्ट्रीय राजधानी नूं जा रहे जमुना नदी दे पानी दा दिल्ली सरकार वल हरियाणा दा 100 करोड़ रुपए दा बिल बाकी है। खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि बिल दा भुगतान करन लई दिल्ली दी केजरीवाल सरकार नूं लगातार चिट्ठियां लिख रहे ने। इस तों इलावा हरियाणा सरकार दे अधिकारी बैठकां दौरान वी दिल्ली दे अपने हमरुतबा कोल इह मुद्दा चुकदे ने। मुख्यमंत्री खट्टर दे मुताबक हरियाणा दिल्ली नूं हर दिन 1049 क्यूसिक पानी दे रहा है, जबकि संधि के मुताबिक हरियाणा नूं प्रतिदिन 719 क्यूसिक पानी दिल्ली नूं देना बनता है। देखिए, सियासत करने वाला तो किसी भी बात पर करेगा, लेकिन हमने दिल्ली का पानी जो उनका शेयर है 719 क्यूसिक, और उसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने कहा कि शेयर भले इनका 719 है, लेकिन इनकी जरूरत जो है वो 1049 क्यूसिक की है। 330 क्यूसिक अतिरिक्त पानी ये भी इनको लगातार दिया जाए और उसके बदले में पैसे जो है उसकी जो कीमत है वो ली जाए। ये अलग बात है कि हम पानी तो दे रहे हैं लेकिन दिल्ली के लोग पैसे नहीं दे रहे हमको, फिर भी हमने उसको इसी रंग से कहा है कि भी ठीक है पानी दो, जब कभी दे देंगे, लेकिन पानी दिल्ली को जितना निर्णय किया है सुप्रीम कोर्ट ने उतना जरूर हमने देना है। और अतिरिक्त अगर कोई बात होगी
उनकी ओर से रिक्वेस्ट आएगी तो कह देंगे भैया पैसे दे और ले लो। अभी एग्जैक्टली अनुराग जी है 100 करोड़ कब से है ये? ये अमाउंट तो 95 से काउंट कर रहे हैं हम, बट उसमें से लगभग उनके 20 करोड़ आए हैं, 120 करोड़ का केस टोटल बना है, 100 करोड़ ही होता है, 120 करोड़ में से 100 करोड़ बाकी है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आगू जतिंदर सिंह शंटी और अकाली आगू जसप्रीत सिंह विक्की मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने सरना भरावां ते तिखे निशाने साधे ते दावा किया कि सरना की प्रधानगी वेले दिल्ली कमेटी की तरफों किसी प्राइवेट संस्था नूं कमर्शियल वरतों लई 50 लाख रुपए अदा किए गए, जिस गोलक की दुरवरतों की गई है। जगह गुरुद्वारा साहब की है, श्री गुरु सिंह सभा विवेक विहार की है, तो तीनों स्कूल भी श्री गुरु सिंह सभा विवेक विहार के ने, सारे स्कूल गुरुद्वारा साहब नूं वापस लवाए जाए, 420 का केस चला के इन्हां नूं अरैसट किया जाए, जिन्ने पैसे का कपला होया, सैकड़ों करोड़ का कपला जी, सैकड़ों करोड़ का, वह पैसा वापस दवाया जाए, चाहे इन्हां दे फ्लैट वेचने पैण जां कुछ भी वेचना पए। जदों असीं इह गल्लां बोलने हाँ तो इन्हों का कहना जी ब्लैकमेलिंग करते हैं, असं गुरु घर वास्ते ब्लैकमेलिंग करने भी तैयार हाँ, पैसा तुम्हें गुरुद्वारे को देना पड़ेगा, गुरुद्वारा साहब का पैसा है। मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष को, अकाली दल के अध्यक्ष को बेनती करना वा और सरना साहब भी बेनती करना वा कि ऐसे बंदे तो मूँह मोड़ लो जो गुरु घर का दुखी है और करोड़ों रुपए का कपला दशमेश पब्लिक स्कूल विवेक विहार किया गया है, यही मेरी बेनती है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जी धार्मिक संस्था है, किसी को कमर्शियल यूज़ अपने प्राइवेट यूज़ वास्ते नहीं दे सकती, गुरुद्वारों धार्मिक संस्थाओं लोन के तौर पर दे सकती है, वो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास होए, जनरल हाउस के पास होए, उस तो बाद दे सकती है इन्ना वड्डा अमाउंट। ये कितने चर्चा नहीं हैगी, जदों पैसा दिता गया सिर्फ तो सिर्फ असी यही गल कहना चाहते हैं, बड़ी शर्म की गल हैगी है। सरना साहब जदों दूसरों के उत्ते उंगलियां जिदा चुकते हैं, करप्शन दियां गल्लां करते हैं कि पैसा खुर्द बुर्द हो रहा, ये भी पैसा असी ये नहीं कह रहे कि आया या नहीं आया, आ भी गया होएगा कोई वड्डी गल नहीं है, पर जिहड़ा पैसा दिता गया कमर्शियल यूज़ वास्ते प्राइवेट बंदे नूं, प्राइवेट संस्था नूं, प्राइवेट स्कूल नूं दिता गया, वो नहीं देना चाहिए सी। इस दे असी पुरजोर विरोध करते हैं कि ये जिहड़ियां चीज़ां ने ये दिल्ली कमेटी तो बंद होनियां चाहीदियां ने। असी हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि इसकी जांच होए कि यह पैसा जिहड़ा हैगा जे कमर्शियल यूज़ वास्ते दिता है तो बिना ब्याज तो दिता गया, तो ये गुरु घर की जिहड़ी गोलक है उन्होंने कोई फायदा पहुँचे या नुकसान पहुँचे, इस चीज़ का असी पुरजोर निंदा करते हैं जी। मोगा जिले के पिंड बुरज दुन्ना में एक दिल दहलाने वाला वाकया सामने आया है, जिथे एक नौजवान लड़के ने जहरीली दवाई निगल के खुदकुशी कर ली। इस खुदकुशी का कारण जान के तुसी हैरान हो जाओगे। दरअसल गुरप्रीत सिंह नामी लड़के दे सिर विदेश जाने का भूत सवार से, इसे चक्कर में उसने घरदिया ने उसका रिश्ता आईलैट्स कर चुकी जसप्रीत कौर नाल कर दिता, जिस तों बाद गुरप्रीत के घरदिया ने जसप्रीत के विदेश जाने तकरीबन 20 लाख रुपए खर्च भी दिए, पर लड़की ने कैनेडा जा के गुरप्रीत सिंह नाल विआह करवाने तों इनकार कर दिता, जिस तों बाद नौजवान ने सदमे में आउंदे जहरीली दवाई पी के खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस टीम ने मृतक के पिता के बयान के आधार से कुड़ी के रिश्तेदार से मामला दर्ज कर लिया है। लड़का सी गुरप्रीत सिंह, यदि लड़की यदि शादी की थी, इसलिए इस तरह करके मंगनी करती थी भी तुम इस तरह विदेश बाहर लेके जाओगी लड़की। इन्होंने आपके को 20 लाख रुपया भी लाया चक के, उदो जाने तो बाद फिर उन्हें उधर जाके मना करता भी मैं तेन नहीं जा सकती, इस काम के बच्चे ने बाद जहरीली चीज खा के अपनी खुदकुशी कर ली। कितना टाइम हो गया कुड़ी बाहर गई? कुड़ी बाहर गई तकरीबन कोई 8-9 महीने हो गए, उस बाद मुड़ के फोन भी आते रहे, उदो मुड़ के 2-3-4 महीने तो पहले फोन करना बंद करता हूँ। तो किन्ने पैसे टोटल लाए थे? तकरीबन 20 लाख रुपया इन्होंने लाता। इटली दे शहर विचेंसा दे गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा कश्तल गंबैर तो विचेंसा विखे तीसरी पातशाही धन धन श्री गुरु अमरदास साहिब जी का प्रकाश पुरब समूह इलाके दी संगत अते गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे सहयोग दे सदका बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल मनाया गया, जिस दौरान श्री अखंड पाठ साहिब दे भोग पाए गए, उपरंत बच्चों वालों कीर्तन दरबार भी सजाया गया, जिस विच संगतां ने वड्डी गिनती विच हाजरी भरी। इस प्रोग्राम दौरान इंडिया पंजाब ते विशेष तौर ते पहुंचे प्रसिद्ध ढाडी भाई तरलोचन सिंह भमद्दी ने शनिवार अते ऐतवार ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾ ਗਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਾਉ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤਾਏ ਗਏ।
थाना सिटी जीरा की पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक व्यक्ति नूं काबू कर लिया, जिस तो चोरी दे 19 मोटरसाइकिल बरामद हुए ने। पुलिस ने काबू किए उक्त मुलजम के खिलाफ मामला दर्ज करके अगलेरी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। ASI गुरदीप सिंह ने जानकारी दिंदिया दस्या कि उन्होंने गुप्त सूचना मिली सी कि पिंड नीलेवाला का रहने वाला कमलजीत चोरी दे मोटरसाइकिल वेचण दा धंधा करदा है। पुलिस वालों जेकर उस दे घर छापेमारी की जाए तो उस तो चोरी दे बहुत सारे मोटरसाइकिल बरामद हो सकते हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करदिया दोषी के घर छापेमारी करके उत्थों 19 मोटरसाइकिल जो उसने वख-वख शहरों तो चोरी किए सन बरामद कर लए। फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में इन्ना ही हूँ। तुम मैंने यानी मनदीप कौर खालसा नूं दिओ आ गया। धन्यवाद जी।